जमल जमालू वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। डांसिंग को बहुत पसंद करती हूँ। कैन नॉट गेट मी ऑफ द डांस फ्लोर। आई वाजंट डांसिंग एंड आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन बट आई लाइक्ड इट। आई वाज जस्ट यू नो इन कैरेक्टर। बॉबी डील आई रिमेंबर व्हेन वी सॉ हिम ना द डोर ओपन्ड एंड देयर ही इज बॉबी डील। मुझे आई डोंट रिमेंबर हिम लाइक दिस नो लाइक आई वाज टेलिंग द अदर गर्ल वो लुक एट हिम। हमने शूट किया मूवी टाइगर श्रॉफ के साथ। आई वाज अ रॉ एजेंट। Okay. It was a movie, guys. In Pakistan, I think it'd be such a cool thing to do a girl movie if I could ever work with Maira Khan. Hi, this is Kakisham Bukhari and you're watching me on Jio Digital. आज की जो मेरी गेस्ट हैं आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट टू नो हर। 2023 में उन्होंने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का टाइटल जीता है। वो पाकिस्तानी लेकिन यूके बेस्ड आर्टिस्ट हैं। बहुत सारा काम करी हैं। शाहरुख खान के साथ भी उन्हें देखा गया है और अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी एनिमल जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी। उस फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल की सेकेंड वाइफ का कैरेक्टर किया है। सो हम एक तो पहली चीज़ ये है कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। सो लेट्स सी कि उनकी जर्नी किस तरह की रही है। बहुत सारी बातें उनसे होंगी। सो फाइनली आवर गेस्ट इज़ हियर टुडे शफीना पटेल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तानी है बताएं? गर्मी में आप पाकिस्तान आई हैं। एक्चुअली गर्मियों में पसंद करती हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ ना मैं फील करती हूँ मेरे घर पहुँच गया। ऐसे फील करती हूँ मैं। होम कमिंग वाली फीलिंग आती है। फीलिंग यू नो कम्युनिटी हमारे कम्युनिटी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। खाने अभी हम खानों की ही बात कर रहे थे। हाँ, इसलिए नहीं आई थी ना खाने के लिए। हाँ, तो फिर हम पूछेंगे भी ना आपसे कि आपने क्या ट्राई किया, क्या पसंद है आपको पाकिस्तानी खानों के। तो वैसे दुनिया भर में चर्चे हैं। हाँ एक्चुअली तो पाकिस्तानी खाने के बारे में मैं दाल माश को पसंद करती हूँ। आई नो दाल सिर्फ दाल है लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और चपली कबाब वो चीज़ मैं पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में हर चीज़ है। हर चीज़ है पाकिस्तान खाने के लिए। चाइनीज़ भी है, यू नो कोरियन भी है, इटालियन भी है, पिज्ज़ा सब कुछ है। और सब कुछ हम अपने स्टाइल में बनाते हैं। जी अपने स्टाइल। और बिरयानी में आप बिरयानी कैसे भूल सकते हैं? आई नो राइट। इन कराची में किसी को मुझे बताया कराची में बिरयानी सबसे बेस्ट है। कराची की ही एक्चुअली बिरयानी सबसे ज़्यादा जिसको आप बिरयानी कह सकते हैं जी। और बाकी जगहों पर आपको पुलाव मिलता है लेकिन कराची की बिरयानी जो है वो दुनिया भर में खाई जाती है। चलें हम आपको लेके चलेंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे। अगर आप कराची आई हैं तो बंस रोड डेफिनेटली विजिट करें। बंस रोड और ये okay. हमारी वो फूड स्ट्रीट है जिस पर बड़े बड़े गोरे खाना खा के गए तो फिर उन्हें याद रहा है ठीक है क्या खाया है। चलें बहुत सारी बातें आज आपसे होने लगी हैं जी और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि एक एक करके आपकी सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे okay. लेकिन क्योंकि हमें जैसे पता है कि आप पाकिस्तानी हैं बट यू आर बॉर्न एंड रेज्ड इन यूके। या आई वाज बॉर्न इन लंदन एक्चुअली लेकिन मेरी मम्मी ना शी शिफ्टेड अस टू अमेरिका। ओके तो मैं कैलिफोर्निया में रहती थी वहाँ मैंने स्कूल भी गई और एक्चुअली माई करियर स्टार्टेड फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओके द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। काफ़ी शाई थी आई वाज अ शाई चाइल्ड। तो जब हमने अमेरिका शिफ्ट हुआ ना मेरे नानी उन्होंने कहा लेसन ड्रामा क्लासेस शुरू करो क्योंकि यू कॉन्फिडेंस कैन गो अप। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और उससे मैंने रियलाइज़ किया एक्टिंग मेरा शौक भी है यू नो एंड टैलेंट शायद यू नो लाइक आई वाज लाइक समथिंग इज़ हियर। तो वहाँ से मैंने शुरू किया एक्टिंग क्लासेस मॉडलिंग क्लासेस ट्रेनिंग किया खुद किया मैंने। वो जो मैं स्कूल गई ना स्कूल स्पेशल स्कूल मेरी नॉर्मल स्कूल के साथ ओके तो मैं 12 साल थी उस वक्त एंड व्हेन आई फर्स्ट इन माय फर्स्ट फैशन शो और एक्टिंग स्टफ। सो इट वाज दैट टाइम। उससे पहले मैंने थोड़ा सा काम भी किया क्योंकि मेरी पेरेंट्स इंडस्ट्री से आई एक्चुअली। मेरा अबू एक्टर था मेरी अम्मी एक्ट्रेस थी। दे मेट इन लंदन ओके एंड दैट्स so you know it was a love marriage kind of yeah scene. I hope so yeah it was and so they met through the industry na and so when I was a kid I remember many parents they put me for stuff you know like as you do like you don't have control lekin main 12 saal thi when I realized I want to act as well okay to aapko support thi family ki taraf se bhi? हाँ एक्चुअली मेरे अबू फोर्थ के जब मैं छोटी थी तो ओके व्हेन आई रियलाइज्ड अबाउट एक्टिंग ही वाजंट अराउंड लेकिन मेरी अम्मी शी सपोर्ट्स मी। उन्होंने सिर्फ ये कहा लिसन जस्ट डू योर डिग्री एज वेल
बिकॉज आई थॉट आई वाज गोना बी अ डॉक्टर. ओके, पढ़ाई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप एक्टिंग भी स्टडी कर सकते हैं ना. लेकिन मेरी मम्मी सेड लुक एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अनदर ऑप्शन. ऑप्शन तो होने चाहिए. मैं ऑप्शन को पसंद करती हूँ एक्चुअली. आई डोंट लाइक टू बी स्टक एनीवेयर. सो आई डिड माई डिग्री इन UK. जब हम वापस अमेरिका से हम वापस आए इंग्लैंड ना, तो मैंने स्टडीज़ पूरी किया इंग्लैंड में. तो माई डिग्री इज़ एक्चुअली न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल. वाओ, दैट्स ग्रेट. ये तो बड़े आपको भी हेल्प करती होगी ना फिट रहने में. हाँ, एंड एक्चुअली आपको किसी कोच की ज़रूरत ही नहीं होती. या बिल्कुल. आई वॉज डूइंग स्टफ अलॉन्ग द साइड एंड मेरे करियर के साथ है ना. आई वॉज ऑल्सो डूइंग हेल्थ कोचिंग. ओके. सो लेकिन अभी जो वो मूवी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब वो आई ना, तो वो हेल्थ कोचिंग आई कुडंट डू एनीमोर. ओके, सो हम बात करें इस वक्त एनिमल की, द टॉक ऑफ द टाउन मूवी, जिसमें आपने शफीना को लाजमी देखा होगा. कहने को बहुत कम आपका स्क्रीन टाइम था, बट इट वॉज रियली रियली लाइक एक होता है ना मेस्मराइजिंग, के एक बहुत अच्छी अपेयरेंस आपकी नजर आई थी. सो हम उस पर भी बात करेंगे कि हाउ डिड इट हैपन. So how did it happen? Actually, मैं पाकिस्तान में थी फरवरी 2023 में, एंड मैं पेशावर में थी. एंड आई द मैसेज केम टू माई फोन, शफीना देयर्स अ रोल, बॉलीवुड मूवी है, लेकिन एक किसिंग सीन है इसमें. अच्छा, आर यू ओके विद दिस? मैसेज आई, मैं सोच रही थी क्या करूँ. हाँ, आई एम फाइन विद इट. ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन. मैंने सिर्फ ये कहा, लेकिन आई वॉज अनकम्फर्टेबल. अच्छा, उस वक्त मैं अल्लाह से बात किया, लुक लिसन आई वांट द रोल, लेकिन वो सीन मुझे नहीं चाहिए. लाइक हेलो, ये कुछ करके लमिया निकाल दे. और दूसरी चीज भी मैं सोची थी, शायद एक कैमरा चिक है, यू नो, वो भी करते ना, लाइक आई डोंट नो. मैं क्या सोची थी उस वक्त, लेकिन आई सेड लुक यू हैव टू से यस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो उसके बाद यू नो यू सेंड योर ऑडिशन सेल्फ टेप जो भी है. तो हफ्ते के बाद ना आई डिडंट हियर एनीथिंग एंड देन दे वर लाइक, ओह आपके पास रोल है. अच्छा, आई वाज लाइक ओह शुक्र है वो सीन. एंड उन्होंने कहा, लेकिन वो वाली रोल नहीं है, एक और रोल भी है आपके लिए, और क्योंकि somebody else is taking the other role. ओके, सो आई वाज लाइक शुक्र है किसिंग सीन नहीं है. तो आपको जो पहले रोल ऑफर हुआ था वो किसका था? वाइफ नंबर 3. ओके, जो लास्ट वाली जिनके साथ, द वन दैट हैज टू किस फॉर वीडियो. ओके, सो एनीवे, सो दैट वाज व्हाट हैपेंड. लेकिन दे गॉट अ एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया इस रोल के लिए, एंड सो आई वाज लाइक चलो फाइन, दैट्स फाइन. लेकिन उस वक्त मैं जानती नहीं थी, लाइक मैं किसी को पता ही नहीं दैट हाँ मैं काम करूँगी बॉबी डील के साथ और एनीथिंग लाइक दैट. सो हमने मूवी शूट किया ना इन अप्रैल, एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. लाइक इट वॉज सो मच फन एंड इट वॉज अ होमली फीलिंग एज वेल एक्चुअली, क्योंकि वो सारी टीम इंडिया से आई ना, एंड द दादाज एंड एवरीबडी, दे वर जस्ट लाइक इट जस्ट, हम सब देसी लोग सेम है ना उस टाइम. ब्राउन पीपल. हाँ, ब्राउन पीपल, ब्राउन पीपल. So yeah, it was a good experience. अच्छा था. बॉबी डील, I remember when we saw him ना, the door opened and there he is in his green boxes, उनका body. It's like बॉबी डील, मुझे I don't remember him like this, you know, like I was telling the other girl, whoa, look at him. लेकिन नो, वी वर जस्ट सेइंग लाइक यू नो, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, डिसिप्लिन होना चाहिए ना. ऐसे कमबैक के लिए तो लोग तरसते हैं कि इस तरह का कमबैक हो. सो आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, लाइक माशाल्लाह, लाइक ही डिड सो वेल. वो जो तपर वाला है ना सीन, ऑब्वियसली वी वर लाइक काइंड ऑफ लाइक फेकिंग इट फॉर द शूट, लेकिन एक दो तीन चार दफा किया ना, लेकिन एक टेक ही में ही एक्चुअली हिट माई नोज. Okay. He caught my nose, so he's like, oh, मैंने आपको मारा. I'm so sorry. I was like, कोई बात नहीं. Okay. No, I'm just kidding. But it was like this. It was fun. And obviously, and actually, उस वक्त मैं जानती नहीं थी मेरे सीन भी है बॉबी डी रणबीर कपूर के साथ. क्योंकि वो जो मारने वाला सीन होता है घर का. हाँ, वो जो हम किचन में थे ना. जी जी जी. And it was like and intense. And he was trying to find him. Yeah. And we were like crying and we hardly had any makeup. And actually, you know, Sandeep Reddy sir, na, the director, he doesn't like makeup. Okay. If you notice, the bride, wife number 3, bahut simple. Bahut natural. Because when humne, you know, the makeup, she did our makeup, na, she was so happy and she likes my look. So she's like, oh, I'm going to do your makeup. Went to the director. Nahi, hata lo ye makeup. Aur kam hona chahiye, aur kam hona chahiye. We kept going back and forth. Okay. Like this. So he was like, I want it simple, complete simple look. So jab hum kitchen mein thi Ranbir Kapoor ke saath, we literally had no makeup on. And kyunki hum bahut ro rahe the us scene mein. Ranbir Kapoor wo bhi bahut humble hai. Like I was thinking, wow, hum kaam karte hain ek senior artist ke saath, you know, like
these are like our like role models and like you know of course seeing them chahe aap kisi bhi bollywood artist ko pehli dafa dekhe to aapke liye wo ek hota hai ki dreamy moment hai bahut ke tv par aur isha cinemas mein dekha yeah it's real life it's an honor as well and so the experience was good and yeah and actually I think about these actors but I was telling people as well maine zyada promote nahi kiya lekin maine actually kaam kiya shahrukh khan ke sath aapne ek ad shoot kiya tha ha ad kiya maine yeah and so aapki bhi dhadkane aur saansein ruki thi bollywood badshah ko dekhkar king khan ko dekhkar of course I'm not even kidding I didn't main soch nahi sakti like ek din main kaam karungi inke sath lekin I was like okay I'm a professional woman it's normal lekin jab hum set wo set pahunch gaye na मेरे दिल इतने तेज चलते अच्छा धड़कने तेज हो मैं सोच रही थी वो देख सकते लाइक आई वाज लाइक हाय हाउ आर यू या गुड आई वाज लाइक क्या हो रहा है साहब बट इट वाज जस्ट सो इट वाज एन ऑनर ऑब्वियसली ऑफ कोर्स एंड अभी तक मैं मेरी दोस्त आई हैव अ फ्रेंड आई वाज टॉकिंग टू हिम द अदर डे ना इट्स लाइक शफीना आपको पता है आपने काम किया शाहरुख खान के साथ आपको पता है ये क्या मतलब है आई वाज लाइक मैं ज़्यादा नहीं सोच रही थी लाइक पहले अभी मैं सोच रही थी एक्चुअली दिस इज सच अ इट्स ऑब्वियसली वाज नॉनेबल थिंग लेकिन आई जस्ट टुक इट लाइटली हाँ मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं जो एनिमल जैसी फिल्म में भी हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है फिर 2023 में वो मिस वर्ल्ड का टाइटल भी जीत चुकी हैं मतलब इतना कुछ है और आप कहाँ थे इतने टाइम से कहीं छुपी हुई थी आप या इट्स जस्ट तो That happened क्योंकि जब मैं वापस आई पाकिस्तान से लास्ट फरवरी मार्च में एंड मेरे तो आई हैव अनदर फ्रेंड एंड ही इज़ लाइक लिसन अप्लाई करो मिस पाकिस्तान के लिए एंड आई वाज लाइक रियली देयर इज अ पेजेंट तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया और स्टेजेस था और मैं यहाँ ही थी लाहौर आई शी केम टू लाहौर ओके वहाँ था सेरेमनी क्राउनिंग सेशन हुआ एंड उसके बाद लाइक काफ़ी इंटरव्यूज भी होता था लाइक एंड देन वहाँ से मैंने शुरू किया सोशल वर्क इस टाइटल से पहले they did approach me I think it was before covid okay they approached me to do to be an ambassador for the cleft hospital of gujarat pakistan lekin har cheez hai timing hai of course so us time I think sahi nahi tha mere liye lekin jab wo title mein na mili thi facebook unhone sab kuch notice kiya to unhone mujhe dobara message kiya ab kar sakte hain I was like chalo theek hai fir kyunki you know jab aap pakistan ko represent karte na to aap You feel like हाँ मुझे कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए लेकिन टाइटल तो जरूर नहीं है Sorry to do become an ambassador for the cleft hospital Gujarat Pakistan I came back in October वहाँ मैंने विजिट किया सारे डिपार्टमेंट्स इस हॉस्पिटल में एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद द वर्क द सर्जरी द लेवल जो वो करते हैं ना एंड देन उसके बाद एनिमल आई उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम अच्छा इसके बाद एनिमल की शूट स्टार्ट हुई थी नहीं आफ्टर द पेजेंट नो नो पेजेंट वाज इन मे ओके द एनिमल वाज इन अप्रैल ओके सो आई शॉट एनिमल बिफोर ऑल ऑफ दिस आई नो लोग सोचते हैं ओह शी गॉट एनिमल आफ्टर बीइंग मिस पाकिस्तान नो आई एक्चुअली मतलब आप फेमस बाद में हुई हैं और एनिमल आपने पहले की है हाँ आई थिंक एनिमल मेड मी मोर पॉपुलर एक्चुअली बिकॉज मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग ऊपर गई जब एनिमल आई ना Because I was thinking, हाँ ये पुरानी बात है I shot it in April. It was meant to come out in August. उसके बाद delay हुआ So I was like, चलो I'm just busy with everything. I फिर से आई पाकिस्तान वापस चले गए इंग्लैंड Then it was December 1st, the movie came out. तो मैं Birmingham में थी उस वक्त I went with my brother to watch the movie. लेकिन जब हमने टिकट बुक किया ना it was like fully packed. I was like, wow, this must be a really interesting movie. Everybody wants to watch it. Okay. लेकिन आई डेंट टेल एनी वन मैंने काम किया इस मूवी में क्योंकि कभी कभी वो सीन्स कट करते हैं हो जाते हैं हाँ तो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू से हाँ मैंने काम किया एंड जब मैं लाइक इफ यू वॉच इट यू आर नॉट इन द सीन यू नो लाइक बट ऑब्वियसली जब हमने मूवी देखी थी उस वक्त आई वाज लाइक ओके आई एम देयर इट्स वेरी ऑब्वियस सो उसके बाद माई फोन वॉज गोइंग क्रेजी लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरे फ्रेंड्स दे वर लाइक आपने मुझे बताया नहीं आपने क्यों मुझे बताया नहीं तो आई वाज लाइक यार आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग जब वो जो गाना था एनिमल में जमल जमालू वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था जी जी तो आपके आपने शूटिंग के प्रोसेस में क्या सबसे अच्छी चीज़ फील की अबाउट दैट सॉन्ग एक्चुअली क्योंकि इन द सॉन्ग ना वी डिडंट आई माय कैरेक्टर डिडंट गेट टू डांस या एंड मेरे डांसिंग इवन यू वर वेयरिंग एन अबाया देयर या लाइक आई हैड द लॉन्ग ड्रेस एंड ब्लू कलर का था और पूरा कवर किया हुआ था सो एक्चुअली मेरा नेचर है मैं डांसिंग को बहुत पसंद करती हूँ
And jab music like is on na and I'm in the mood, you cannot get me off the dance floor. I'm like this, like I don't need anything to be in any state. I can just पानी के साथ आई विल जस्ट गो एंड डांस लाइक फॉर आवर्स. काश हम ये यहाँ पर कर सकते हैं. ऑनेस्टली आई लव डांसिंग. सो द ओनली इशू वाज विद दैट शूट इज दैट आई वाजंट डांसिंग एंड आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन बट आई लाइक्ड इट. आई वाज जस्ट यू नो इन कैरेक्टर. बहुत अच्छा था. लाइक द शूट वाज ग्रेट. वी हैड चिल्ड्रन विद अस एनीवे. अपेरेंटली वी हैड सो मेनी किड्स. हां बिल्कुल नीचे साथ में थे आपके छोटे छोटे बच्चे. ऑल माय चिल्ड्रन. ओके चलो. सो इट वाज फन एंड आई रिमेंबर एक्चुअली वो जो सीन था ना जब बॉबी डील आते हैं ना एंड ही गेट्स द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर व्हाट हैपेंड टू हिम एंड ही स्टैब्स द गाय इन द आई. या सो द खून लाइक देयर वाज लाइक ब्लड ऑन सेट ना. वी वर स्टैंडिंग देयर लाइक गोइंग यू नो ऐसे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इन रियल लाइफ वन ऑफ द गर्ल्स शी जस्ट पास्ड आउट. अच्छा. या ओह माय गॉड. दिस इज लाइक बिहाइंड द सीन्स ना. सो शी जस्ट पास्ड आउट बिकॉज़ व्हेन शी सॉ द ब्लड इवन दो इट वाज फेक उन्होंने शी जस्ट. बट बहुत सारे लोग नहीं देख पाते. हाँ तो वी वर लाइक आर यू ओके. अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है. नहीं बट दिस ये होता है ना. पाकिस्तानी इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हैं आप? हमारे ड्रामास वगैरह देखती हैं कुछ? हाँ मैं फॉलो करती हूँ. लाइक एंड ऑब्वियसली लाइक मेरे पास एक कमिटमेंट्स है यूके में. सो आई हैव अनदर मूवी प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन. ओके आई एम गोइंग बैक. लेकिन डिपेंड करते हैं लाइक यू नो शायद समथिंग हैपनिंग. इट्स अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट और इट्स अ हॉलीवुड. इट्स अ इंडियन पंजाबी बेस्ड इन यूके. ओके तो देयर इज अ काफी पंजाबी लोग हैं वहाँ ना. सो आई एम और काफी फिल्म्स वहाँ बनती भी हैं पाकिस्तानी एक्टर्स. यूके हाँ यूके गिव्स आई थिंक द गवर्नमेंट वो फंडिंग देते ना. सो इट्स दे मेक अ लॉट ऑफ मूवीज इन यूके. सो बॉलीवुड के लिए क्या प्लान्स हैं? दोबारा जाने का इरादा है आपका? यू नो एक्चुअली आई हैड अ मूवी लेकिन आई मिस द डेट. एंड ये भी होता है इस इंडस्ट्री में वो अचानक से डेट्स चेंज करते हैं. हम शूट भी करते हैं. एक्चुअली देयर वाज अ मूवी ना. आई वाज अ रॉ एजेंट. Okay. It was a movie, guys, not real life. वो ट्विस्ट करते हैं ना हर चीज़. निकाल के ना लगा दिए आप लोग. नो एक इंटरव्यू मैंने किया ना एंड मैं मिक्सड हूँ एक्चुअली. तो मेरे पूरे नाम शकीना पटेल शाह है. तो आधे इंडियन आधे पाकिस्तानी. एंड जब मैंने इस रॉ एजेंट की बात हुई ना दे ट्विस्टेड एवरीथिंग. ओके बट आई एम टेलिंग यू द रियल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चैनल. ओके सो हमने शूट किया मूवी टाइगर श्रॉफ के साथ. अच्छा. इस उनको देख के भी तो आपकी धड़कने तेज नहीं हुई? वो यू नो ही वाज स्वीट. वी वर एक्चुअली जस्ट लाइक इट वाजंट द फीलिंग लाइक किंग खान. किंग खान दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ऑफ कोर्स ही हैज अ डिफरेंट स्टोरी. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट टाइगर श्रॉफ यू नो ही इज अमेजिंग. लाइक हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग लाइक सो गुड. सो वी शॉट दैट एंड लेकिन आई फाउंड आउट बिकॉज़ आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग. रिलीज कब हुआ ना? इट वाज मेंट टू बी दिस ईयर. दे लाइक नो दे शेल्व्ड द फिल्म. ओके सो दिस हैपेंस टू. तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए कोई प्लान है आपका? कभी सोचा है कि ड्रामास के लिए भी काम करेंगे? मैं सोची थी एक्चुअली यू नो क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते थे ड्रामास के बारे में. एंड एक्चुअली मैसेजेस भी आते हैं ना इंडिया से. दे लाइक ओह यू आर इन पाकिस्तान यू शुड डू द ड्रामास. सबसे बेस्ट ड्रामास है पाकिस्तान में. इवन इंडिया अग्रीज. या ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी बिग ऑडियंस देयर. या सो दे लव देम एंड सो आई वाज लाइक लेट्स सी यू नो आई कैन कम फॉर सम वेकेशन. But you never know. हर चीज़ होता है खुदा की वजह से. मैं ये बिलीव करती हूँ. लाइक ऑनेस्टली इट जस्ट इफ समथिंग इज इन योर किस्मत एंड आप राइट प्लेस राइट टाइम पर है ना इट्स गोना हैपन. तो ये मैं बिलीव करती हूँ. चलिए क्या पता कि कल आपकी जर्नी जो है हमें ड्रामास में भी नजर आ रही हो. देखिए शायद एक कैरेक्टर है यूके से आई हूँ. दिस इज नॉट यू नो आई एम योर गर्ल. वैसे हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं जो यूके से आने वाला कैरेक्टर होता है ना उससे. अच्छा. वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी बना देते हैं बाहर से आने वालों को. दैट्स या देयर यू गो सी द आईडिया है एक्ट्रेस से. मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा स्क्रिप्ट आपको दे दिया है. Are you ready for the rapid fire? Okay, ready as I can be. Let's go. Your one song from Desi Wedding playlist. Bole Chudiyan. Favorite Pakistani singer. Ali Zafar. Have you ever stolen anything in your childhood? Accidentally. What was that? It was a hair clip. I was with my backpack and I was talking to my friend. Ek hair clip tha na. And she put it on my backpack and we were just talking and I left the store and I was like, oh, no. The clip is on my bag and I didn't pay for it. Your favorite Bollywood movie? Animal.
अपनी मूवी फेवरेट होगी ना, ऑफ कोर्स. सो विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्ट्रेस इन पाकिस्तान? आई थिंक इट बी सच अ कूल थिंग टू डू अ गर्ल मूवी इफ आई कुड एवर वर्क विद मायरा खान, बिकॉज आई एम रियली लाइक आई लुक अप टू हर. एंड इन इंडिया मैन बहुत सारे एक्ट्रेस हैं वहाँ, बट लेट्स जस्ट स्टिक विद द पाकिस्तान. ओके, सो आप भी मायरा खान फैन हैं यानी? Yeah, I am actually. I'm following her on Instagram. One best memory after the success of your recent project? Actually, Animal Man, I was talking to the wife number three. We were sharing the same vanity and we just had some really good girl talk. Okay. One best thing you want to change about yourself? About myself? Yeah. My belief in myself. Okay, so Karachi or Lahore? I love Karachi right now. Okay, so coffee or chai? Abhi, main coffee peeti hoon. अच्छा, हाँ पाकिस्तान से पहले नहीं पीती थी. अच्छा, लेकिन आदत पड़ गई थोड़ा सा. ओके, सो बिरयानी और निहारी? बिरयानी. ओके, सो आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब रही हैं? अभी अम्मी से, क्योंकि मेरी अब्बू यहाँ नहीं है, लेकिन आई विल ऑलवेज बी माय फादर्स डॉटर. सो मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? आई लव मॉर्निंग्स. नाइट में पसंद करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग सुबह इज गुड. ओके, सो देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? दोनों. मैं कैसे चूज कर सकती हूँ? फ्यूजन. आई एम मिक्स्ड, मैं क्या करूँ. लवली टॉकिंग टू यू शफीना. और हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत कम है, सो फिर हम इसको कभी और किसी दिन बैठ के, जब कुछ और फिल्म्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, सो डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू दिस. तो टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बाय.